तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की डेली इंफ्रा न्यूज़। दोस्तों पहली अपडेट आंध्र प्रदेश से आ रही है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने कृष्णा रिवर बैंक रोड को 4 लेन तक एक्सटेंड करने के लिए 150 करोड़ रुपीज सैंक्शन कर दिया है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नहीं बल्कि 3 कैपिटल सिटीज़ को रखने का निर्णय लिया है, जिससे तीनों सिटीज़ का अच्छे तरह से एंड इक्वल डेवलपमेंट हो सके। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अमरावती, विशाखापट्टनम एंड कर्नूल को कैपिटल सिटीज बनाने का निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का एक और 6 लेन सीड एक्सेस रोड बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स क्वार्टर्स को भी बनाने का ऑर्डर दिया था, जिसका 80-90% वर्क कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अगली अपडेट इमामी रियल्टी लिमिटेड की तरफ से आ रही है, जहाँ पर इमामी रियल्टी 40 एकर्स का टाउनशिप को कोलकाता में डेवलप करने का प्लानिंग कर रही है, जिसके लिए इमामी रियल्टी ने 300 करोड़ रुपीज खर्च करेगी। इमामी रियल्टी टोटल 525 प्लॉट्स में बंगलो टाउनशिप को डेवलप करेंगे, जिसे जोका के भाषा में डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों अगली अपडेट गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इनसॉर्ट गेल की तरफ से आ रही है, जहां पर गेल इंडिया ने 5000 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है, जिससे गेल एटलीस्ट 1 गीगावाट का सोलर पार्क एंड बायोगैस के साथ साथ इथेनॉल प्लांट्स को भी सेटअप करेंगे। गेल अब नेचुरल गैस बिजनेस के अलावा रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर मोड्स ऑफ एनर्जी में अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, जिससे गेल फ्यूचर रेडी हो सके। गेल इंडिया के पास करेंटली 120 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, जिसे नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के अंदर 1 गीगावाट तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों अगली अपडेट टाटा मोटर्स की तरफ से आ रही है, जहां पर टाटा मोटर्स को 15 हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल बसेस का ऑर्डर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन शॉर्ट IOCL की तरफ से मिला है, जहां पर ऑल 15 बसेस को 144 वीक्स में डिलीवर करना होगा। टाटा मोटर्स के अनुसार 215 ई बसेस को फेम 1 के अंतर्गत सक्सेसफुली सप्लाई कर दिया गया है एंड और 600 ईवी बसेस का ऑर्डर मिला है फेम 2 के अंतर्गत। दोस्तों अगली अपडेट गुरुग्राम बेस्ड ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप ग्रोफर्स की तरफ से आ रही है, जहां पर ग्रोफर्स को जोमेटो की तरफ से $120 मिलियन का फंडिंग मिला है, जिसे ग्रोफर्स यूनिकॉर्न क्लब की लिस्ट में अपना जगह बना लिया है। दोस्तों यूनिकॉर्न क्लब में आने वाला कंपनी का अगर मार्केट वैल्यू $1 बिलियन को पार कर लेता है, तो वो कंपनी को यूनिकॉर्न क्लब कहते हैं। इससे ग्रोफर्स को और भी इंडियन सिटीज में अपना बिजनेस को एक्सपेंशन करने में मदद मिलेगी। दोस्तों अगले अपडेट चेन्नई से आ रहे हैं, जहां पर विलिवक्कम लेक के ऊपर बन रहे ग्लास ब्रिज को बहुत जल्द पब्लिक के लिए ओपन करने का प्लान है। इस प्रोजेक्ट को अगस्त तक कंप्लीट कर लिया जाएगा एंड सितंबर तक इसे पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। इस 250 मीटर लॉन्ग रहने वाले ग्लास ब्रिज को 12.5 मीटर अबव मीन सी लेवल पे सस्पेंड किया जा रहा है। इस ब्रिज का मॉडल सिंगापुर के मैक रिची ट्री टॉप ब्रिज से लिया गया है। अगर बात करें इस ब्रिज में मिलने वाले फैसिलिटीज की, तो इस ब्रिज तक पहुंचने के लिए सीढ़ी एंड लिफ्ट दोनों की फैसिलिटीज मिलेगी एंड लेक के पास रेस्टोरेंट एंड अदर पब्लिक एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज को भी सेटअप किया जाएगा, जिससे एक तरह का टूरिस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन बन जाए। इस प्रोजेक्ट को स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत 27 करोड़ रुपीज में बनाया जा रहा है। दोस्तों अगली अपडेट इंदौर से आ रही है, जहां पर एशियाज लॉन्गेस्ट एंड वर्ल्ड 5th लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक को इंदौर में इनॉग्रेट कर दिया गया है, जहां पर ये हाई स्पीड ट्रैक ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के टेस्टिंग के लिए यूज किया जाएगा। इस न्यू 4 लेन हाई स्पीड ट्रैक से ऑटोमोबाइल कंपनी अपने व्हीकल्स का एक्सट्रीम टेस्टिंग कर पाएंगे। इस न्यू हाई स्पीड ट्रैक का लेंथ 11.3 किलोमीटर है, जिसे प्रकाश जावड़ेकर जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है। तो दोस्तों यही था आज का डेली इंफ्रा न्यूज़। आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। लाइक करें दोस्तों वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो हर किसी तक पहुँचे। कमेंट करें दोस्तों आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखना है या मैं अपने वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर एक न्यू डेली इंफ्रा न्यूज़ के साथ। जय हिंद।